हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और नेटफ्लिक्स, अमेज़न, एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म के आगे आज हम हमारा पुराना दोस्त टेलीविजन को भुला ही चुके हैं, है ना? तभी तो आज 55% इंडियंस ओटीटी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं और सिर्फ 41% डीटीएच वाली टीवी को। लेकिन टीवी के कांच पर चढ़ती हुई धूल को पोंछकर, लोगों के घरों में महाभारत, रामायण जैसे शोज की गूंज को फैलाकर दूरदर्शन ने एक बार फिर से टीवी की दुनिया को बचाया, जिसके चलते 2019 के मुकाबले दूरदर्शन की अपनी व्यूअरशिप 68% से बढ़ गई। जी हाँ, मैं उसी दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ जिसने सबसे पहले लोगों के घरों में टीवी को पहुंचाया था और जिस टीवी से दूरदर्शन लोगों के दिलों तक पहुंच पाया। पर 2020 में अचानक लोगों के घरों में एंट्री मारने वाला दूरदर्शन अब तक कहाँ था और आखिर आते ही इसकी रेटिंग 68% से कैसे बढ़ गई? Well, kind of interesting, right? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं दूंगा आपको इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड राइज एंड फॉल ऑफ दूरदर्शन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ दूरदर्शन। आज हमारे इंडिया में टीवी चैनल्स की कमी नहीं है, क्योंकि जून 2021 में इंडिया के पास 915 जितने प्राइवेट चैनल्स थे। पर ऐसे बीच सफर में नहीं, दूरदर्शन की जर्नी को समझने के लिए शुरुआत से उसकी कहानी को शुरू करते हैं। तो टेलीविजन इंडिया 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एज एन एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया था। नाना, चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी दूरदर्शन की ही कहानी सुना रहा हूँ। बात यह है ना कि शुरुआत में दूरदर्शन का नाम टेलीविजन इंडिया था, जिसे 1975 में एक देसी तड़का देने के लिए उसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। हालांकि दुनिया का सबसे पहला ट्रांसमिशन 1928 में ही हो गया था, पर इसे इंडिया में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए, है ना? तो 1959 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंडिया की गवर्नमेंट के शुरू हुए इस चैनल को एक बड़ी उड़ान और पहचान तब मिली जब सन 1965 में दूरदर्शन ने ऑल इंडिया रेडियो से इंडिया के गली मोहल्ले में रखे टेलीविजन सेट्स तक 5 मिनट न्यूज बुलेटिन एज रेगुलर डेली ट्रांसमिशन शुरू किया। इसके बाद 1972 में कृषि दर्शन जैसा शो शुरू हुआ जो आज भी इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्रामों की गिनती में शामिल है। और 1972 का साल ही वो साल था जब दिल्ली से ये टेलीविजन सर्विस बॉम्बे और फिर अमृतसर पहुंची। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1975 तक इंडिया के सिर्फ 7 सिटीज में टेलीविजन सर्विस थी और दूरदर्शन हमारे देश का इकलौता टेलीविजन प्रोवाइडर था। जिसके बाद 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को अलग करके दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग डायरेक्टर जनरल्स को सौंप दिया गया। और फाइनली सन 1982 में दूरदर्शन इंडिया का नेशनल ब्रॉडकास्टर बन गया। अब हम बात करते हैं कि दूरदर्शन ने उड़ान भरनी कब शुरू की। सो भाई लोग, दूरदर्शन के शुरुआत के बारे में तो आपने जान लिया, पर कैसे दूरदर्शन पर उसके मोस्ट पॉपुलर और हमारे फेवरेट शो शक्तिमान, महाभारत और रामायण की एंट्री हुई? क्योंकि दूरदर्शन तो एक गवर्नमेंट कंट्रोल चैनल था और उस पर सिर्फ न्यूज और कृषि दर्शन जैसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव शोज ही आते थे, है ना? तो दूरदर्शन के नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल बनने के बाद इस पर इंडिपेंडेंस डे स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दिखाने के साथ ही 1982 के एशियन गेम्स भी दिखाए गए। लेकिन दूरदर्शन यहीं पर नहीं रुका, दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपने चैनल्स की गिनती को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे 9 अगस्त 1984 में उसने अपना सेकेंड चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था DD2 और अपने पुराने चैनल का नाम DD1 रख दिया। यही वो साल भी था जब DD1 ने अपना सबसे पहला स्पॉन्सर्ड टीवी सीरियल यानी हम लोग टीवी पर एयर करना शुरू किया, जो 7 जुलाई 1984 को पहली बार एयर हुआ था। इसी शो की सक्सेस को देखकर टीवी प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने डीडी पर ऐसे ही शोज की लाइन लगा दी, जिससे डीडी को भारत एक खोज, महाभारत, रामायण, मिर्जा घालिब, विक्रम और बेताल, तेनाली रामन, फौजी, सर्कस, दादा दादी की कहानियां जैसे शोज मिल पाए। और इन शोज में से रामायण ना सिर्फ DD1 का मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन टीवी ड्रामा बना, पर वो 80s के दौर का हाईएस्ट रेटिंग ड्रामा भी था, जिसे एक ही टीवी के सामने बैठकर पूरा गांव और मोहल्ला देखा करता था। लेकिन क्या इसका ये मतलब था कि दूरदर्शन का कोई कंपटीशन नहीं था? वेल, कंपटीशन का एज 1992 से 2010 तक। अब तक अकेले इंडिया के टेलीविजन पर राज करने वाले दूरदर्शन के आगे का रास्ता जरा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद 1992 में प्राइवेट चैनल्स ने इंडिया में एंट्री मारी।
और दूरदर्शन को 1992 में अपने पहले कंपेटिटर जी टीवी से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिली। पर इसी दौरान DD1 ने चंद्रकांता, अलिफ लैला, चाणक्य जैसे शोज से अपने चैनल को दोबारा बाकी चैनल्स की कंपटीशन में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। किंतु कुछ ही समय में डीडी के कदम फिर लड़खड़ाने लगे, यानी 1995 में जब डीडी मेट्रो, जी टीवी, होम टीवी, स्टार प्लस और सोनी टीवी जैसे चैनल्स अपने प्राइम टाइम स्लॉट्स पर फोकस कर रहे थे, तब DD1 टीवी पर इकलौता न्यूज प्रोवाइड करने वाला चैनल होने की वजह से धीरे धीरे पीछे चलते चला गया। पर DD1 की डूबती नैया को शक्तिमान शो ने 1997 में सहारा देकर बचा लिया। लेकिन DD1 अपने सहारे के बल पर कुछ ही साल टिका पाया, क्योंकि 2000 की शुरुआत होते ही सहारा टीवी और सब टीवी जैसे चैनल्स डीडी से बेहतर रेटिंग के साथ इंडिया के फेवरेट चैनल्स की रेस में दौड़ने लगे, और इस बार डीडी को बचाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए 2003 के आने पर डीडी ने डीडी मेट्रो को डीडी न्यूज चैनल में बदल दिया और डीडी नेशनल पर मेहर, मिस इंडिया और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे शोज को शुरू किया जो समय के ब्लॉकबस्टर्स रहे। नहीं, 2005 में सारे प्राइवेट चैनल्स को पीछे छोड़ते हुए डीडी के हवाएं शो ने ITA अवार्ड्स फॉर बेस्ट टीवी सीरियल ऑफ द ईयर तक ले लिया, जिसे देख लोगों को लगने लगा कि शायद दूरदर्शन का कल और भी बेहतर होने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉल ऑफ दूरदर्शन 2010 to 2020। जब दूरदर्शन अब तक इतनी धूम मचा रहा था तो आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि ये हाईएस्ट टीवी रेटिंग की उड़ान भरने के बावजूद 2010 में बंद होने की कगार पर आ खड़ा हो गया। वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया और कुछ नहीं था बल्कि कंपटीशन, क्योंकि डीडी बाकी प्राइवेट चैनल्स के साथ हाईएस्ट रेटिंग की लड़ाई में एक एक करके हारते जा रहा था। जैसे पहले डीडी ने अपने आफ्टरनून के स्लॉट्स खोए और फिर टीवी इंडस्ट्री के जाने माने नामों के सीरियल्स, जैसे 2012 में डीडी के पास एकता कपूर के पवित्र बंधन और संजय लीला भंसाली के सरस्वती चंद्र जैसे कुछ ही सीरियल्स बचे थे। पर डीडी ने अब भी हार नहीं मानी। वो जानता था कि 1960s से लोगों के दिलों में उसने जो जगह बनाई हुई है उसे इतनी आसानी से मिटा पाना आसान नहीं है। इसीलिए तो 2013 में डीडी ने दिन में 4 से 7 बजे तक चलने वाले रीजनल टेलीकास्ट को रोकने के साथ रात को एयर होने वाले न्यूज टेलीकास्ट को भी रोक दिया, जिससे हुआ ये कि डीडी को एक्स्ट्रा प्राइम टाइम मिला और अपने इस प्राइम टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए डीडी ने कई नए प्रोग्राम्स को अपने चैनल पर जगह दी, जिनमें गोरा, भारत की शान, संजीव कपूर शेफ की रसोई एटसेट्रा का नाम शामिल था। और इसके साथ साथ ही नवंबर 2014 में प्रसार भारती ने डीडी नेशनल को और आगे बढ़ाने के लिए एक नए टाइटल देश का अपना चैनल के साथ रीलॉन्च करने के साथ नए प्रोग्राम्स को भी शुरू किया। अब हालांकि इन शोज ने पहले से बेहतर तरीकों से ऑडियंस को एंगेज किया, लेकिन 2016 में इनकी TRP आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बजाय नीचे गिर रही थी, और इस सब के चलते चैनल को अपने 7 PM टू 11 PM के स्लॉट तक बेचने की नौबत आ गई। पर चैनल के स्लॉट्स बेचकर चैनल को रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी भी डीडी के काम नहीं आई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने बालाजी टेलीफिल्म्स और साई बाबा टेलीफिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउसेस को स्लॉट्स बेचने के बावजूद इस पॉलिसी पर होल्ड लगा दिया, और 2017 से डीडी सिर्फ अपने पुराने प्रोग्राम्स के रीरन्स चलाने लगा बिना किसी नए शो और नए स्ट्रैटेजी को लॉन्च किए। लेकिन प्राइवेट चैनल्स के चलते कंपटीशन बढ़ना और डीडी के नंबर वन चैनल की रेस में पीछे छूटना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था। इसका दूसरा बड़ा रीजन ये था कि बाकी चैनल्स पर क्रिएटिव प्रोग्राम्स देखने वाले ऑडियंस को लगने लगा था कि डीडी नए दौर की चीजों को नहीं सीख पा रहा है और ना ही अपना रहा है, और इसी सब के चलते डीडी नेशनल धीरे धीरे स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी सब और ऐसे ही नए नए प्राइवेट चैनल्स की भीड़ में कब लोगों के फेवरेट चैनल की लिस्ट से गायब हो गया, किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं पड़ी। और डीडी के फॉल की तीसरी सबसे बड़ी रीजन थी हमारी गवर्नमेंट। जी हाँ, जिस गवर्नमेंट की वजह से ये चैनल शुरू हुआ था वही गवर्नमेंट डीडी के बर्बादी की वजह भी बनी, और इसकी शुरुआत सन 1975 की इमरजेंसी से हुई, क्योंकि इससे पहले भी डीडी पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने दूरदर्शन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिसके चलते जनता के मन में चैनल के लिए कड़वाहट भर गई। और 2017 की रिपोर्ट की माने तो डीडी का ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट 2000 करोड़ है, जिसका 68%
गवर्नमेंट से आता है और बाकी डीडी के रेवेन्यू से। पर इतने सारे पैसों का क्या ही मतलब जब आज तक डीडी को खुद के चैनल पर प्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले शोज को डिसाइड करने की ऑटोनॉमी भी नहीं दी गई है। और ऐसा नहीं कि लोगों ने डीडी को रिवाइव करने की कोशिश नहीं की। 2014 में डॉक्टर सैम पिट्रोडा और उनकी कमेटी ने प्रसार भारती को बेहतर बनाने के लिए 26 रिकमेंडेशंस की रिपोर्ट सबमिट की जो डीडी और एआईआर को एडमिनिस्ट्रेट करती है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रसार भारती को एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर बनाने की बात सामने रखी। साथ ही चैनल पर दिखाए जाने वाले पुअर क्वालिटी कॉन्टेंट को इम्प्रूव कराने की भी रिकमेंडेशंस भी दिए, क्योंकि प्रसार भारती हर साल कंटेंट पर सिर्फ और सिर्फ 15% ही खर्च करती थी और इसीलिए डॉक्टर सैम पित्रोड़ा ने इसे बढ़ाकर 50% करने की सलाह दी। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी ना ही चैनल की क्वालिटी में सुधार आई और ना गवर्नमेंट कंट्रोल में, और इसीलिए डीडी के घटते हुए व्यूअर्स के नंबर में कोई भी सुधार नजर नहीं आया। पर पिछले कुछ सालों में हालात जैसी भी हो, लॉकडाउन ने डीडी की बुझती हुई चिंगारी को फिर से एक रोशनी की किरण में बदल दिया है। तभी तो लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत जैसे शोज के रीरन्स को चलाने के बाद डीडी की व्यूअरशिप 68% से बढ़ गई। और बीएआरसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील लुल्ला ने खुद ये कहा कि इन शोज की वजह से व्यूअर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, क्योंकि इनके व्यूज 2019 के 10.8 बिलियन से बढ़कर 2020 में 18.1 बिलियन यानी ऑलमोस्ट डबल हो गए। लेकिन डीडी का फिर से सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर अपने नाम का झंडा लहराने का सफर अभी भी बहुत लंबा है, क्योंकि पिछले कई सालों से चले आ रहे कमर्शियल रेवेन्यू में भी कमी आ रही है और सिर्फ पिछले 3 सालों में डीडी ने 42.6% लॉस झेला है। पर इस बार शायद डीडी ने यह सफर पूरा करने की ठान ली। तभी तो डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन सुप्रिया साहू के मुताबिक प्रसार भारती की सीईओ और दूरदर्शन के हेड्स साथ में काम कर रहे हैं ताकि वो दूरदर्शन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह इवॉल्व कर सके, यानी थोड़ी क्रिएटिव और उसमें थोड़ा इनोवेशन ऐड करके ये चैनल फिर से मेन स्ट्रीम में आ सकता है। पर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगा? क्या दूरदर्शन एक गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनीज के कंपटीशन को झेल पाएगी? बिकॉज एज यू नो, गवर्नमेंट सेक्टर्स और कंपनीज थोड़े से चिलैक्स्ड होते हैं और प्राइवेट में परफॉर्मेंस हमेशा हाई होता है। इसी वजह से तो सरकार कॉन्शियसली काफी सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज को दे रही है क्योंकि वो बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस फैक्ट को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि दूरदर्शन आगे सक्सेसफुली इवॉल्व हो पाएगा? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देखते रहोगे और अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रहोगे। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!